बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक रिएक्शन वीडियो। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ आई होप बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है। वीडियो के टाइटल को देख के मुझे ऐसा फील हुआ तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए। अकेले देखने में वो मज़ा नहीं वीडियो को जो आप सबके साथ देखने में मज़ा है। तो देखते हैं कि वीडियो कैसा है आप सबके साथ। रिएक्शन करने से पहले देख लेते हैं वीडियो का टाइटल क्या है। वीडियो का टाइटल है टैलेंट दैट ओनली इंडियंस हैव और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है स्ले पॉइंट। आपने इनकी पहले वीडियोज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, और जिन्होंने कर रखा है वो वीडियो को लाइक कर दें। तो करते हैं रिएक्शन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि अब गूगल के गोले और फेसबुक की साड़ियाँ मिलती है, जहाँ गर्ल्स होस्टर होता है ऑल्सो फॉर मेन, और प्यार का इजहार होता है ऐसे मेंस को एक्टर बांटने से प्यार बढ़ता है, थूकने से सिर्फ बैक्टीरिया। अगर आप भी ऐसी गीली हरकतें करते हैं तो पेश है मीवी रूम जो है वाटर प्रूफ। इस सूटकेस से कई ज्यादा पोर्टेबल अमेजिंग साउंड के साथ निकाल दिया। अब इंडिया में हम हर टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। चिल्लाना आता है बन जाओ न्यूज एंकर, लिखना नहीं आता बन जाओ डांसिंग जर, खाना अच्छा बना लेते हो बन जाओ मास्टर नहीं सॉरी बहू बनो, स्कोप ही स्कोप है। तो ऐसे ऐसे टैलेंट है ना कि हमने उनसे कुछ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए, जैसे फास्टेस्ट नाक से टाइपिस्ट। कितना रिस्पेक्ट करते हैं इसके टैलेंट को। बोल रहे हो देख के हो गया हो तो फीफा खेल ले। तेल का तालाब पहले वॉशिंग मशीन में जा रहा है, अपना धोता तो हाथ से है ना भाई। तुम लोग भी बाइसेप से कंघी या घुटनों से मैगी बनाने जैसा कुछ शुरू कर दो। फिर किसी अंकल का टैलेंट है मोस्ट हग्स इन वन मिनट। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 मोस्ट धक्का धुक्की इन वन मिनट। भाई किसी की छाती फ्रैक्चर हो रही है कि एंड मुक्का खा गया और ये सिर्फ लाइन लगाने आए थे। अरे उन चारों को भी ले लेता मैं चारों। आज स्कूल में क्या किया? कुछ नहीं बस आज मैथ्स टीचर छाती चुम्बा की काउंटिंग सिखा रहे थे। क्या? नहीं नहीं डरो मत, सारे लड़कों ने मिलके किया। मिलके चुम्बे? चल पुलिस के पास, बोला था ऐसे घर की स्कूल में मत जाना। क्या आपको 1800 सेल्फियां लेनी है तो वो भी स्कूल में ले लो। ये निकलना एल्बम बनाएगा क्या? देखो ऐसे तो बच्चे स्कूल में आज कुछ पढ़ सकते थे कुछ सीख सकते थे, पर मुझे अपने नए फोन का कैमरा टेस्ट करना था। इनके टेबल की भैंस किया क्योंकि दूसरों के फायदे के लिए अपना कटवाने वाली पब्लिक इन्हें स्कूल में ही मिलती है। अब यूपी में एक साथ 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने झाड़ू लगाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो आधा शहर तो साफ हो ही गया होगा। नहीं, क्योंकि सारे 10,000 लोग एक ही रोड साफ कर रहे थे जो ऑलरेडी मेरे पूरे घर से ज्यादा साफ है। अपने ही पैरों के नीचे झाड़ू लगा रहे, लगता है अपने ही पैर साफ कर रहे हैं। इतना अलग अलग एरिया में करते थे पूरा। नहीं था तो झाड़ू के टुकड़े को ही झाड़ू मार दिया। अरे मुझे बस पासपोर्ट ऑफिस जाने कोई रास्ता तो दे दो। आसपास का 2 सेंटीमीटर झाड़ा, सच टायरिंग डे। मतलब कुछ भी नल्ला सा करके अचीवमेंट वाली फीलिंग लेनी है ना तो इन रिकॉर्ड वालों को कॉन्टेक्ट करो। लॉन्गेस्ट मोटरसाइकिल? नॉर्मल मोटरसाइकिल पे बस लोहा बांध दिया, इसको मोड़ने के लिए पूरे गांव का योगदान लग रहा है। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। ये है क्या? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेवीएस्ट बिल्डिंग साइकिल, देख ले। साइकिल को बिल्डिंग से बांध दिया? ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या ये ना बना तो दिया बिल्डिंग साइकिल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बाइक पे ही हो जाता है। किसी का मुंह में स्ट्रॉ भरने का टैलेंट है क्या भाई? पूरी गंगा नदी पी जाएगा इससे। पर अगर आप में एक भी टैलेंट नहीं है तो सूरत वाले लाए हैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो वरुण प्रूथी से भी पहले गरीबी मिटा देगा। आपकी जी में दम है तो आओ पालो और पैसे जीत के जाओ। फिर से बोलना। दम है तो आओ पालो और पैसे जीत के जाओ। इंडिया का पहला पादशाह, कंपटीशन के रूल्स भी है, वॉल्यूम के 1.5 पॉइंट मेरे, वो पाद जीतेगा 1.5 पॉइंट जो खिड़कियां फोड़ दे।
भाई इतना बेस नहीं आ सकता मेरे बूफर से। लंबाई के 1.5 पॉइंट जिसके लिए 1 मिनट तक खींचना है। करियर बनने से पहले ही डूब गया। चंकर हाथी और सांड भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या? धुन के 2 पॉइंट, धुन की क्वालिटी, क्यों रिंगटोन बनाओगे इसका? क्यों फुल पैराबोलिक साउंड, मतलब अब कॉमर्स और आर्ट्स वालों की लोगे तुम। मिड फ्रीक्वेंसी टू मिड लो फ्रीक्वेंसी टू क्या फ्रीक्वेंसी, रेडियो है क्या? मुझे नहीं बनना पालने का यार। फिर तीन लोगों ने हिम्मत की लेकिन स्टेज पर जाने के बाद उन्हें पाद नहीं आई। क्योंकि पादने के लिए तो 100 रुपए अंबानी भी ना दे, मतलब मैं 100 रुपए देके मैं ही पादू, ऐसा कंपटीशन क्यों सर? गुड फॉर अवर हेल्थ एक्चुअली। वाह वाह, समाज सेवा, इतनी चिंता है हमारी, बिना पैसे दिए तो आज तक कोई पाद ही नहीं रहा था। ये वो सवाल पूछते हैं जो कोई नहीं पूछता। लू के लिए 1 नंबर है, लैट्रिन के लिए 2 नंबर है, तो पाद के लिए कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा? क्या मुद्दा उठा है? पाद के लिए कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा? Nation wants to know #WhyNoNumberForOne. बात के लिए कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा? I think this is a very bad move by the anti-government agencies. माइक काटो यार इसका प्लीज। Sponsored by DJ Jayesh. कौन है भाई? Jayesh. अबे पोकेमोन है क्या, सिर्फ अपना नाम लिए जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री को भी इतने माइक नहीं मिलते, इतना यहाँ इन्हें डॉल्बी सराउंड साउंड में पादे सुननी है। इससे ना पहले पूरी कोशिश की पेट को भूखू जैसे दबा कर, पर कुछ बचा नहीं। लेकिन वो नाकामयाबी के भी इतने प्राइजेस ले गए जितने हमें कभी सफलता के भी नहीं मिले। इन शो ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से दुनिया ऐसी चल रही है। बस एक चांस मिल जाए। पार्ट डायरेक्टर मैम कब आएंगे? ईटिंग हाज बोलो मैम, एक बार बात सुन लो, वातावरण बदल देंगे, इंडस्ट्री खत्म कर देंगे मैम, प्लीज वातावरण बदल देंगे। हां नेपोटिज्म, अपने बेटे को ही पदवा लेना जाओ। हम स्टेज दे रहे हैं आपको पादने के लिए, लोग आप मुंह चढ़ा देंगे अगर आप पाद देंगे तो। हम स्टेज देंगे, हम आपको पैसे भी देंगे, जीत जाएंगे, जिताएंगे भी है? और ट्रॉफी भी देंगे। आप मेरे हिमेश, मैं आपका रानू मंडल। रानू मंडल रियलिटी। So guys, मीवी की अक्टूबर सेल आ गई, जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि मीवी रोम, मीवी ऑक्टेल काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है, और ये प्रोडक्ट्स आप mevi.in, Amazon या Flipkart से भी ले सकते हैं। लिंक टू बाय इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर कभी जिंदगी में पाद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक दिस वीडियो, और हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। योर सन जस्ट विनिंग 10,000 रुपीज बाय पादिंग। पाद के पैसे क्यों? चूरन की एनिमल टेस्टिंग तेरे पे हो रही है क्या? काम नहीं मिला तो पॉकेट मार बन गया बेटा। चिंदी मैं जीत के आया हूँ, पर तो चिंदी बहाने में जीत गया। मेरा बेटा चोर है, प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए। असली टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, ये देखो। गाड़ी तो रुकी नहीं, फिर भी 1 मिनट तक नहीं खींच पाया। बस मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा, जिस हिसाब से टाइटल को देख के लग रहा था कि हाँ वीडियो थोड़ा मज़ेदार होने वाला है, कि जो टैलेंट है कैसा टैलेंट है जो इंडिया में ही है, तो उन्होंने वैसा टैलेंट दिखा रखा है जो सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता। जो सबसे फर्स्टली उन्होंने नहीं निकाला था कि कई जगह मैंने शायद टिकटॉक पे वीडियो देखा था कि कई जगह ऐसी रस्में होती है एक दूसरे पे जो दूल्हा दुल्हन ऐसे थूकते हैं, यार ऐसी कैसी रस्म होती है, ये कौन सी रस्म है, एक का बैक्टीरिया दूसरे को, दूसरे का बैक्टीरिया दूसरे को होती है, और ये रस्म सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है। तो बिल्कुल सही है वीडियो का टाइटल, या में ही ये टैलेंट हो सकता है और कहीं नहीं आपको मिल सकता ये टैलेंट। जो भी रिकॉर्ड उन्होंने दिखाए थे, जो फर्स्ट था नो से टाइपिंग वाला, वो तो ठीक लगा कि हाँ नो से टाइपिंग करा बनता, वो भी एक टैलेंट है। जो मैंने सेकंड दिखाया कि 1 मिनट में मोस्ट अगर, यानी 1 मिनट में से कितने अक्के, सबको तो कले बेचारे 4 लास्ट में लगे थे, वो देखते यार हमको भी कले, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। वैसे मुझे एक बात ही समझ आई, एक बंदा अपना कैमरा चेक करने के लिए इतने सारे सेल्फीज लेता है, ये सिर्फ यही हो सकता। जो लॉन्गेस्ट बाइक का था उसने सही किया, उसका एग्जांपल देने के लिए उसने अपनी बिल्डिंग के साथ साइकिल बांधी, मोस्ट हैवीस्ट बिल्डिंग साइकिल, मतलब कुछ भी दिखा दो बस। और वो जो 10,000 लोग झाड़ू लगा रहे हैं कुंभ के मेले के टाइम में समथिंग ऐसा कुछ, तो वो इतनी साफ सड़क में झाड़ू लगा रहे हैं कि जहाँ झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अपने ही पैरों के एरिए में लगा रहे, लग रहा है कि अपने ही पैर साफ कर रहे हैं,
सड़क को तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी साफ़ है, तो जहाँ गंदा है वहाँ साफ़ करें फालतू दिखावा करके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा फनी बात इस वीडियो में वो लगा था संजू पार्क चैलेंज, मतलब वॉइस ये वो कहते हैं इतने माइक तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मिले जितने इसको, मतलब कि सही होती है गैस पास करने के पैसे तो अंबानी भी नहीं देगा 100 रुपये, मतलब जब पहले लोग पैसे नहीं देते तो मतलब वो गैस पास नहीं करते थे। जो इन्होंने ये पार्ट दिखा रखा था स्ट्रगलर फादर्स, तो उसमें ईटिंग हाजमोला कहता है मैम हम इंडस्ट्री को वो कर देंगे, क्योंकि कहता है नेपोटिज्म अपने बेटे को, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो स्टार है उनके बच्चे आगे आते हैं, बाकी दूसरों को मौका मिलता बहुत ही कम, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली क्योंकि वो स्टार के बच्चे हैं ईजीली उनको हर चीज़ मिल जाती है। तो मुझे तो वीडियो काफ़ी फनी लगा, आपने मेरा रिएक्शन देख ही लिया होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं, तो प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।